पे भी बात करने की कोशिश करिएगा। वहीं अगर काराकाट चले तो देखिए मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश देखिए लोग जो वहां पर मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात करें और जाने के देखिए उनके बीच क्या कुछ मुद्दे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उनके जहन में आते हैं, विकास को लेकर के वो क्या सोचते हैं, महंगाई को लेकर के उनकी क्या राय है। ठीक है अंकुर, यहाँ ये काराकाट लोकसभा का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं महागठबंधन से राजाराम सिंह है। इनके अलावा यहाँ जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, वो भी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ कुछ हमारे पास जो महिलाएं हैं वो वोट देने के लिए आई हैं। यहाँ पहली बार मतदान करने जो फर्स्ट वोटर जिसको कहा जाता है वो है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये आज जो है मतदान करने आई है, फर्स्ट बार वोट देने आई है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। देखा जाए तो मेरा जो भी यहाँ का समझे कि ठीक टेक वगैरह जो भी है, मतलब अच्छा मिले नेता चाहे भी जो भी है, हम लोग का संस्था वगैरह सब सही सही ढंग से हो, इसलिए हम लोग अच्छा मतलब चुनने आए हैं। मिथिलेश शिक्षा को लेकर के पूछेगा, क्या व्यवस्था इन्हें अच्छी लग रही है या फिर कुछ बदलाव चाह रही है शिक्षा को लेकर के, और अगर शिक्षा पूरी हो जाती है तो रोजगार को लेकर के क्या सोच रही है। शिक्षा को लेकर क्या आप सोच रही हैं, आप युवा हैं, शिक्षा को लेकर क्या चाहती हैं आप? जैसा रखा जाए शिक्षा बराबर में रखा जाए सब लोग को, मतलब कि ये नहीं है कि हम लोग को 20% जहाँ तक जनरल को और BC1 BC2 जो भी है उन लोग को 30% अलग से आरक्षण मिले, क्योंकि शिक्षा जो है सब बराबर मिलना चाहिए, सब कोई पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कम कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहा है, अगर BC1 है BC2 है इस चीज को खत्म करें, इसको भी हम लोग कहते हैं तो हम लोग ऐसा करें कि सबको बराबर में रखें। जहां भी एग्जाम हो रहा है वहां देखा जाए तो जनरल को 80% आएगा तब चुना जाएगा, जहां तक कि BC1 रिजर्वेशन जो है वो हटाया जाए, BC1 BC2 चाहे जो भी है, जो भी कास्ट में नीच कास्ट जो भी आ रहा है उन लोग को अगर 70% भी आ रहा है तो उन लोग चुना जा रहा है, वही जहाँ जनरल भी आ रहा है 70% को नहीं चुना जा रहा है। शिक्षा में समानता को लेकर जो है इनका कहना है कि समानता, शिक्षा में समानता का अधिकार होना चाहिए। और भी युवा है जो महिला है जो फर्स्ट वोटर है, इनसे बात करते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट। मेरा भी अकॉर्डिंग टू मी देश को डुबो रहा है पूरी तरह से। इफ आप कह रहे हो कि मान लो कि इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम आता है, मतलब नीट में रिजर्वेशन है, आप क्या सब कह सकते हैं यार, तो मतलब जनरल कैटेगरी 700 650 से ऊपर लाएंगे तब होगा, उससे ये SC ST कैटेगरी वाले लोगों को 300 350 इन सब पे जीत हो जाता, तो ये क्या है इससे, मतलब उसके डॉक्टर बनने के लिए भी करना पड़ रहा है। देखिए इनकी नाराजगी है कि शिक्षा में जो है समानता का अधिकार होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए। हम लोग